नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरें। रायपुर छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ के शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय के प्राचार्य की तानाशाही। तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं, रिजल्ट किसी हालत में नहीं दूंगा, ऐसा कहना है प्राचार्य लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय सारंगढ़ के प्राचार्य का। पदस्थ हुए महज 2 माह नहीं हुए, विवादों में घिरते जा रहे हैं सारंगढ़ के शासकीय लोचन पांडे महाविद्यालय का प्राचार्य डीआर लहरे सारंगढ़। सारंगढ़ का ख्याति प्राप्त महाविद्यालय लोचन प्रसाद पांडे इन दिनों सुर्खियों का सबब बना हुआ है। आपको बता दें कि महज 2 माह लगभग पहले पदस्थ हुए प्राचार्य डीआर लहरे के प्रति छात्रों का काफी गुस्सा देखा जा रहा है एवं उनके कामकाज से काफी छात्र प्रभावित नजर आ रहे हैं। एक नया मामला सामने आया है जिसमें बीमार छात्रा का रिजल्ट लेने उसके परिजन जब कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल से बात की ताकि आगे की पढ़ाई करने में उसे किसी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े, तो इसके उत्तर में प्राचार्य ने जो बातें बोली जिसे आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। प्राचार्य डी आर लहरे ने परिजन को रिजल्ट नहीं दूंगा किसी भी हालत में, ये कहकर परिजन को ठेस पहुंचाई और साथ ही कई प्रकार के बहानेबाजी भी करते नजर आए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे कितने छात्र होंगे जिन्हें कैसे कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता होगा। सूत्रों के मुताबिक छात्र बताते हैं कि उन्हें प्रिंसिपल जब से आए हैं हमारी परेशानी बड़ी है, साथ में कयास लगाया जा सकता है कि वर्तमान प्रिंसिपल के रवैये से छात्रों को किस प्रकार उनका कहर टूट रहा है। रायपुर छत्तीसगढ़ से स्टेट ब्यूरो दीपक निराला की रिपोर्ट। विद्यार्थी आपके लोचन प्रसाद पांडे यहाँ का, वो उनकी अब तबीयत खराब है, उनका रिजल्ट लेने के लिए उनके परिजन आए हैं। सर क्या कर रहे हैं, सर उनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, क्या निर्देश हैं? संबंधित को ही देने का है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के चांसलर का निर्देश है सर? चांसलर का निर्देश नहीं है। तो सर शासन का निर्देश है, संबंधित व्यक्ति को ही दिया। शासन मतलब? शासन कौन है आप जानो? नहीं, सरकार का कहना है, इसका दिशा निर्देश कॉलेज की वेबसाइट में लिखा हुआ है सर। निर्देश सर उसकी तबीयत खराब है, वो नहीं आने में असमर्थ है, अगर किसी कारण उसका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जाता है आने वाले विषय के लिए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसके लिए संबंधित व्यक्ति जिम्मेदार होगा। सर कॉलेज का समय कितना बजे तक रहता है सर, पढ़ाई करने का विषय? शासकीय लोचन प्रसाद पांडे महाविद्यालय का समय स्टूडेंट का कितना से कितना समय तक रहता है सर? टाइम टेबल देखिए, टाइम टेबल में लिखा